ऑल राइट गाइस, तो आज है हमारे पास द ऑल न्यू अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाइट 2020 एडिशन। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी आप इसे ओनली 2100 रुपये में परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है। एंड ये वीडियो कैनन 200D Mark II से शूट हो रहा है, जो मैंने हाल ही में परचेस किया है। तो अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक जादुई छड़ी है जो आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकती है। तो अगर आप भी अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं एंड जानना चाहते हैं कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग इसकी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं। बॉक्स के टॉप में फायर टीवी स्टिक लाइट की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे कुछ ऐप्स मेंशन है जिसका सपोर्ट हमें स्टिक में मिल जाता है। बॉक्स के लेफ्ट पार्ट में इसके बॉक्स कंटेंट मेंशन है एंड व्हाट्स नीडेड हाई स्पीड इंटरनेट एंड HDMI इनपुट। ओके, बॉक्स राइट से कुछ इस तरीके का यहाँ पे से कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे प्रेस एंड आस्क एलेक्सा, 1080p, क्वाड कोर एंड वाईफाई सपोर्ट। बॉक्स पीछे के पार्ट से कुछ इस तरीके का है एंड यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 3999 रुपये मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें मिल जाता है HDMI एक्सटेंडर, ये रहा इसका रिमोट, ये रही इसकी माइक्रो USB केबल इसको पावर देने के लिए, एंड ये रही मेन अमेजोन फायर टीवी स्टिक। एंड इसके नीचे के पार्ट में इसकी यूजर मैनुअल दी गई है। बॉक्स के पीछे के पार्ट में कंपार्टमेंट और दिया गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो AAA बैटरीज दी गई हैं रिमोट के लिए। एंड ये रहा इसका पावर अडेप्टर। तो ये रही फायर टीवी स्टिक एंड इसको आपको टीवी के HDMI पोर्ट में इंसर्ट करना है सिर्फ ऐसे। एंड ये रहा इसका एक्सटेंडर। तो मेरे केस में मुझे एक्सटेंडर की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका टीवी वॉल में माउंट है एंड HDMI पोर्ट उसका पीछे की तरफ है जैसा मेरे टीवी में है, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको उसमें इंसर्ट करना काफ़ी आसान है, इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है एंड उसके बाद आप इसे HDMI पोर्ट में इंसर्ट कर दीजिए इस तरीके से। एंड इसको आपको पावर सोर्स से कनेक्ट करना होगा, उसके लिए आप इसकी चार्जिंग केबल को इसमें इंसर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको उसके रिमोट के फंक्शंस बता देता हूँ। तो सबसे टॉप में यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है, ये वॉइस बटन है जिससे आप एलेक्सा को कमांड कर सकते हैं। ये नेविगेशन एंड सेलेक्ट बटन है, इसमें आपको अप डाउन राइट एंड लेफ्ट का ऑप्शन मिलता है। ये मेन्यू होम एंड बैक बटन है, साथ ही फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड एंड प्ले एंड पॉज के लिए बटन है एंड ये गाइड बटन है। तो आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से हमें फायर टीवी लिखा हुआ आ रहा है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेज यहाँ पे आ रही हैं, तो जैसे ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे शो होगी उसके बाद आपको सिर्फ ये प्लेन पॉज वाला बटन प्रेस कर देना है। एंड यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, हिंदी इंडिया या इंग्लिश इंडिया, आपको कौन सी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वाईफाई नेटवर्क आ चुका है ट्रोजन, तो इससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने अमेजोन अकाउंट से लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे टॉप में इनकी सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर का यहाँ पे ऐड दिया गया है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलर ऐप्स दी गई हैं एंड थर्ड पार्टी ऐप्स भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली ऐप है यहाँ पे प्राइम वीडियो की, तो यहाँ पे आप अमेज़न प्राइम कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यूट्यूब को हम ओपन कर लेते हैं। तो अब हम यूट्यूब में अपने चैनल को सर्च करके देखते हैं। एलेक्सा सर्च ऑन यूट्यूब वाई सो टेकी। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस आ चुके हैं।
इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे लाइव ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो वोट सोनी लाइव एंड काफ़ी सारे टीवी चैनल्स आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। मूवीज़ का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो काफ़ी सारी मूवीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टीवी शोज एंड इससे अगला ऑप्शन यहाँ पे है ऐप्स का, तो काफ़ी सारी ऐप्स का सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड काफ़ी सारी ऐप्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे एमएक्स प्लेयर हो गया, Z5 हो गया, डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा, आज तक काफ़ी सारी ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग का, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क सेटिंग हो गया, डिस्प्ले एंड साउंड सेटिंग, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एप्लीकेशंस, इक्विपमेंट कंट्रोल, रिमोट्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस, एलेक्सा, प्रेफरेंसेस, माय फायर टीवी, एक्सेसिबिलिटी, हेल्प एंड माय अकाउंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका एक नॉर्मल टीवी है एंड आप उसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या अगर आप एक स्मार्ट टीवी भी यूज़ करते हैं एंड उसमें अमेज़न फायर टीवी स्टिक को आप प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से भी यहाँ पे वीडियोस को आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप अमेज़न फायर टीवी स्टिक यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।